ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم خير من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الآشري الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا رب زدني عملا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم. میرے والدین احترام معزز علماء کرام اور مشتی قوم کے مجدود مسلمان ساتھیوں آج ہم جامعہ تنظیم العلوم الاسلامیہ محلہ قانونی گاؤں مشتی کے اندر ایک عظیم اور معزز سعادت مند ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہیں جس کا عنوان عقیدہ ختم نبوت کانفرنس اور اس کے ساتھ ساتھ سالانہ پروگرام ہے. اسی مجلس کے انعقاد کا ایک مقصد وہ خوش قسمت طالبات جنہوں نے قرآن کریم کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کیا ہے تقریباً چار طالبات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ
कुछ नाजरा पढ़ने वाले तलबा और नाजरा कुरान करीम खत्म करने वाले तालिबात हैं, उनकी हौसला अफजाई के लिए प्रोग्राम रखा गया है। अल्लाह जल्लाहु से दुआ है कि अल्लाह ताला इस जामे को जामे के अंदर काम करने वालों को मजीद अपने दीन के फैलाने के अंदर तरक्की नसीब फरमाए और इसको अपने इखलास इलाहियत का जरिया बनाकर आखिरत की आला कामयाबी से नवाजे और हम हजरात के लिए भी अल्लाह जल जलालहू इस जैसे अजीम कुछ नसीब महफल और ऐसे लोगों के साथ हमें भी अल्लाह जल जलालहू ने साल के अंदर बाद मौके के अंदर बैठने का मौका अता फरमाया है। नेक लोगों की सोबत भी इंसान के लिए दुनिया के अंदर भी फायदेमंद है और आखिरत के लिए फायदेमंद है। इंसान की जिसके साथ मोहब्बत होती है, जिसके साथ ताल्लुक होता है, तो अल्लाह जल्ल जलालहू उन मोहब्बत वालों को भी उन नेक लोगों के जुमरे के अंदर दाखिल करके आखिरत के एतबार से कामयाब फरमा देते हैं। एक हदीस के अंदर आता है जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरिया फरमाया एक आदमी होता है उसकी किसी अजीम शख्सियत के साथ मोहब्बत होती है, वलीउल्लाह किस्म के लोगों के साथ मोहब्बत होती है, लेकिन आमाल के लिहाज से उनसे पीछे होता है, तो क्या कयामत के दिन वो अपने महबूबों के साथ मुलाकात हो सकेगी और उनका हशर उनके साथ हो सकेगा? तो जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो मोहब्बत के साथ दिल के अंदर दरूद शरीफ पढ़ना मजलिस के अंदर एक मतलब वाजिब होता है, जिंदगी के अंदर एक मरतबा पढ़ना फर्ज है और हर मजलिस के अंदर जब काम लिया जाए तो एक मरतबा पढ़ना वाजिब है और फिर हर मरतबा पढ़ना ये मुस्तहब है। इसलिए शौक और जोर के साथ इंसान अपनी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पढ़ने चाहिए। इस पर अल्लाह जल्ल जलालहू ने इंसान के बड़े दर्जात रखे हैं, तो आपने इरशाद फरमाया कि अल मर्उ मा अहब्बा, कि आदमी का हशर कयामत के दिन उन्हीं के साथ होगा जिनके साथ उसकी मोहब्बत दुनिया के अंदर थी। तो सहाबी रसूल से रिवायत करने वाले फरमाते हैं कि जब सहाबा इकराम ने ये नबी अलैहिस्सलाम के जुबान अकदस और जुबान अतहर से ये इरशाद सुना तो इतनी उनको खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि उसकी खुशी की इंतहा को नहीं बयान किया जा सकता। इसलिए कि सहाबा इकराम की दुनिया के अंदर अल्लाह जल्ल जलालहू के बाद जिस शख्सियत की ज्यादा मोहब्बत थी हर चीज से वो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत। इसलिए हमें भी चाहिए कि हम इन लोगों के साथ नेकी के काम करने वालों के साथ
خیر کے کام کرنے والوں کے ساتھ، ان مدارس و مساجد والے خانقاہوں کے ساتھ، خانقاہوں میں بیٹھنے والے لوگوں کے ساتھ ہم محبت رکھیں، اعمال کے لحاظ سے کوتاہی کرنے والے ہوں، وہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر ان لوگوں کے ساتھ فرما دیں گے۔ حدیث میں آپ کے سامنے پڑھیے، فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے، انسانوں کے اندر بہترین انسان وہ ہے کہ جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے، لوگوں کے لیے نافع ہوتا ہے۔ اب نفع دو قسم کے ہیں، بعض نفع دنیا کے ہیں، انسان کو دنیا میں کام آنے والے ہیں، اور بعض نفع دینی ہیں جو انسان کو دنیا کے اندر بھی کام آنے والے اور آخرت کے اندر بھی، جو ہمیشہ کی زندگی ہے کہ جس کی ناکامی ہمیشہ کی ناکامی ہے، جس کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے، جس کی خوشی ہمیشہ کی خوشی ہے اور جس کی ناخوشی ہمیشہ کی ناخوشی ہے۔ دنیا کی کامیابیاں، دنیا کی ناکامیاں، دنیا کی خوشیاں، دنیا کی ناخوشیاں، یہ ساری چیزیں عارضی ہیں۔ حقیقی اور دائمی خوشی اور حقیقی اور دائمی بدبختی، ناخوشی والی بات وہ آخرت کی ہے۔ تو اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی خوشی نصیب فرمائے، دنیا کے اندر کامیابیوں کے ساتھ ساتھ حقیقی آخرت کی کامیابی نصیب فرمائے۔ تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ خیر الناس من ينفع الناس، دنیا کے بھی نفع ہوتے ہیں، کوئی کسی کو چائے پلا دے، کسی مسافر کو راستہ صحیح بتا دے، کسی کی بیمار پرسی کر لے، بیمار پرسی کر کے اس کو کوئی تحفہ اور ہدیہ دے دے، اس کو کوئی ضرورت پڑ کے دنیا کو اس طرح تعاون کر لے، یہ بھی خیر کا کام ہے، نفع کا کام ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر نفع کا کام اور خیر کا کام ہے وہ ہے دینی، جو انسان کی رہنمائی کرنا ہے۔ تو یہ مدارس والے، مساجد والے، خانقاہوں والے، یہ دیندار علماء اکرام، یہ لوگوں کو دینی خیر پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے ساتھ ہر لحاظ سے ہمیں چاہیے محبت کے لحاظ سے، دعاؤں کے لحاظ سے، تعاون کے لحاظ سے، اپنی اولادوں کو ان مدارس کے اندر پیش کرنے کے لحاظ سے ان کے ساتھ ہم شانہ بشانہ چلیں، تو ان کا بھی حوصلہ بڑھے گا، ان کو آگے مزید دینی کام کرنے کا موقع ملے گا، اور آپ کی بھی پیدا ہو جائے گا۔ تو جو انسان دوسرے انسان کو ہدایت والا راستہ بتاتا ہے، یہ سب سے بڑی خیر ہے۔ تو یہ مدارس اسی خیر کو پھیلا رہا ہے، اللہ جل جلالہ ان مدارس کو قیامت تک قائم رکھے۔ دوسرے حدیث میں فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین بندہ وہ ہے جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتا ہے، سیکھتا ہے خود اور پھر آگے پھیلاتا ہے۔ یہ سب سے بہترین انسان ہے دنیا کے اندر۔ تو دنیا والوں کے ہاں بڑے بڑے جو درجے ہیں کہ دنیا کے جو درجات حاصل کر لیتا ہے، عہدہ حاصل کر لیتا ہے، اس کو بڑا سمجھا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول کے ہاں بڑا درجے والا انسان اور بڑا معزز انسان سوسائٹی کا وہ ہے جو قرآن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، حدیث کے ساتھ اس کا تعلق ہے، دین کے ساتھ تعلق ہے، دین کے سیکھنے اور دین کو پھیلانے کا کام کرنے والا انسان، اس کو فرمایا جا رہا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو یہ کام بھی انہی مدارس کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے پورے دنیا کے اندر، بالخصوص ملک پاکستان کے کونے کونے کے اندر، چاہے دیہات ہوں، چاہے شہر ہوں، چاہے قصبے ہوں، چاہے تھوڑی سی آبادی ہو، چاہے بڑی آبادی ہو، اللہ جل جلالہ کے فضل سے مدارس اختیار کیا ہوا ہے۔ آپ کو دنیا کے اندر ہر چیز کی حکم ہی نظر آئے گی، لیکن ان مدارس کی وجہ سے اللہ جل جلالہ کے طرف سے ہم انسانوں پر یہ بہت بڑا انعام ہے کہ اس میں مفتیان اکرام کے حاصل پیدا ہونے کے اندر
मशाइख के पैदा होने के अंदर, दीनदारी के पैदा होने के अंदर, हुफ्फाज के पैदा होने के अंदर कोई कमी नजर नहीं आती। वो इन मदारिस का ये फैज है, अल्लाह जल्ला जलालुहु इस मदारिस के फैज को क़यामत तक कायम रखे और हाफिज़ीन की हसद से हिफाजत फरमाए। जैसे कुरान बाकी है, हमेशा रहने वाला है, तो कुरान का काम करने वाले भी हमेशा रहेंगे, क्योंकि कुरान करीम और इस शरीयत मुतहरा की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह जल्ला जलालुहु ने खुद दिया है। ये भी ख़त्म नबूवत की एक बड़ी दलील है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान करीम जैसी मौजज़ा किताब, एजाज़ वाली किताब, मौजज़ा किताब का बाकी रहना, ये भी ख़त्म नबूवत की बहुत बड़ी दलील है। और पूरी हदीस कसीरा हदीस का, नबी अलैहि सलाम के पूरे सीरत मुतहरा का हम मुसलमानों के पास मौजूद होना, ये भी ख़त्म नबूवत की बड़ी दलील है। और ये महीना चल रहा है रजब अल मुरज्जब का, जो लोगों के आप खुदा का महीना कहता है। महीने तो सारे अल्लाह जल्ला जलालुहु के हैं, लेकिन इन लोगों के यहाँ ये मशहूर है ये खुदा का महीना। वो इस लिहाज से कि अल्लाह जल्ला जलालुहु ने जब से जमीन व आसमान का निज़ाम बनाया है और लैल व नहार का निज़ाम बनाया है, दिनों और महीनों और साल का निज़ाम बनाया है, तो जमीन व आसमान की पैदाइश के दिन से ही अल्लाह जल्ला जलालुहु ने 12 महीने बनाए। 12 महीनों से ज्यादा नहीं, 12 महीनों से कम नहीं। और इन 12 महीनों के अंदर 4 महीने अल्लाह जल्ला जलालुहु ने मुहर्रम बनाए, 3 महीने लगातार हैं ज़िलक़ादा, ज़ुलहिज्जा और मुहर्रम, और ये एक अकेला अलग रजब अल मुरज्जब का महीना। उस एहतराम की वजह से लोगों के यहाँ ये खुदा का महीना कहलाता है, वरना महीने तो सारे अल्लाह जल्ला जलालुहु के यहाँ। बाकी इस महीने के अंदर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से कोई खास इबादत मुकर्रर नहीं है। हाँ, वैसे भी नफ़ी इन मुहतरम महीनों के अंदर नफ़ी इबादत का सवाब आम महीनों से ज्यादा होता है। बाद औरतें महीने के अंदर रोजे ज्यादा रखती हैं, फिर वो 27 रजब के दिन के अंदर भी रोजा रखती हैं कि बड़ा सवाब होता है। सही शरीयत के अंदर सिर्फ रोजा रखना बाकायदा सवाब समझ कर, ये ठीक है, ये खिलाफ सुन्नत है। फी नफ्से का इंसान अल्लाह की रजा के लिए मुहतरम महीना है, रोजे रखे, कुरान की तिलावत करे, जिक्र व अज़कार करे, नफी इबादत करे, सवाब का बाइस है। लेकिन अपनी तरफ से तहय्युर करके किसी नफी इबादत को सवाब का सवाब समझकर, ज्यादा सवाब का बाइस समझकर करना, ये शरीयत के खिलाफ। मशहूर कौल के मुताबिक नबी अकरम सल्लल्लाहु है इसी महीने की 27वीं रात को अल्लाह जल्ला जलालुहु ने आपको अर्श पर बुलाया और आपको मेराज नसीब फरमाई। तो मेराज का वाक़या तो बड़ा मशहूर है, ना उसकी तफसील का वक्त है। मैं आपके सामने उस मेराज के मौके पर जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ला जलालुहु ने रात के थोड़े से हिस्से के अंदर मस्जिद हराम से उठाकर मस्जिद अक्सा पहुंचाकर, वहाँ जितने भी अम्बिया पहले गुजरे थे शख्सियात, अजीम शख्सियात, उन सब को वहाँ मौजूद करके और उनको नबी सल्लम की विसादत से उनकी इमामत में नमाज पढ़ाकर इमाम अम्बिया का लकब दिलवाया, और फिर वहाँ से ये पहला आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, सातवां आसमान, और फिर आगे अर्श मुअल्ला का अल्लाह जल्ला जलालुहु ने आपको मेराज नसीब फरमाई, और फिर जन्नत और दोजख के बार बार अहवाल आपको दिखाए। तो मैं आपके सामने इबरत के लिए चाहे वो दोजख के बाद उम्मत के अंदर जो कबीरा गुनाह का इरतिकाब की वजह से जो आखिरत में अज़ाब होने हैं, तो अल्लाह जल्ला जलालुहु ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोजख के अंदर जहाँ और इबरत की निशानियाँ हैं, अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं, वहाँ हमारे लिए इबरत का सामान भी है। अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को ये नसीब बताया और उम्मत पाकों ने तालीम दी कि अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलाम को
दौलत के अंदर बाज कबीरा गुनाहों में इत्तेकाब करने की वजह से जो उम्मत को आखिरत में अज़ाब होना है उसके मिसाली नमूने दिखाए, ताकि मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में वापस जाकर अपनी उम्मत को मुतरब्बे फरमाए, ताकि वो उम्मत के इलम के अंदर आए और अपनी इस दुनियावी जिंदगी के अंदर ही उन गुनाहों से बचकर अपनी आखिरत में कामयाब बनाए। इसलिए कि आखिरत की कामयाबी के बनने का मौका इंसान कामयाब होकर चला जाए या नाकाम होकर चला जाए, वो बनने का मौका कामयाबी नाकामी का मौका ये दुनिया की जिंदगी है। हर इंसान के हर चीज के बनने का एक महल एक जमाना होता है। इंसान के आखिरत की कामयाबी के लिए दुनिया की जिंदगी ये वक्त है और मौका है। तो नबी अलैहिस्सलाम को बाज गुनाह करने वाले लोगों के मिसाली नमूने दिखाए गए। उनमें से ये है कि जब नबी अलैहिस्सलाम को दोज़ख की जब सैर कराई जा रही थी, नज़ारे दिखाए जा रहे थे, तो उनमें से बाज लोगों पर गुजर हुआ, देखा कि बाज लोग ऐसे हैं जिनके सर पर बड़े भारी भारी पत्थर मारे जा रहे हैं और उनके सरों को कुचला जा रहा है। के साथ कराने वाले उनसे पूछा कि ये कौन से लोग हैं कि जिनके सब को भारी भारी पत्थरों के साथ कुचला जा रहा है और फिर सर ठीक हो जाते हैं फिर कुचला जाता है, ये कौन से लोग हैं? फरमाया आपके उम्मत के वो लोग हैं कि जो दुनिया की जिंदगी के अंदर नमाज में सुस्ती करने वाले हैं। वो नमाज ये शरीयत के अंदर ऐसा हुक्म है कि हर हुक्म दुनिया के अंदर अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमीन पर फर्श पर होते थे, अल्लाह अर्श जितनी अमीन के जरिए हर हुक्म को देकर भेजते थे। लेकिन नमाज का हुक्म एक ऐसा है कि अल्लाह जल्ला जलालुहु मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन से उठाकर अपने अर्श के करीब बुलाकर ये बतौर तोहफा के अदा किया। और ये नमाज वो है जिसके बारे में खुद जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुर्रतु आइनी फिस सलाह, कि मेरी आंखों की ठंडक, मेरे दिल का सुकून, मेरी जिंदगी की राहत वो है तो नमाज के अंदर। तो फरमाया आपकी उम्मत के ये वो लोग हैं जो नमाज में सुस्ती करने वाले हैं कि अजान होती थी और आजाद मिलती थी इकामत पे होती सुनते थे, लेकिन ये या सोए हुए हैं या अपने काम में लगे हुए हैं, अफरत के अंदर हैं, जिंदगी ऐसे गुजारी है कोई आजाद ये नमाज में सुस्ती करने वाले। आगे चले एक और कौम पर गुजर हुआ, देखा गया चंद लोग हैं कि जो उनके सामने एक तरफ तो बेहतरीन पका हुआ हलाल गोश्त पड़ा हुआ है, हांडी के अंदर पका हुआ है, और दूसरी तरफ एक बदबूदार और कच्चा गोश्त है, वो हलाल और पाकीला और उम्दा खुशबू वाला पका हुआ गोश्त छोड़कर वो सड़ा हुआ और बदबूदार कच्चे गोश्त की तरफ जा रहे हैं, वो खा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अमीन से पूछा जो साथ हैं दावत कराने वाले कि ये कौन से लोग हैं? आप अल्लाह उम्मत के वो लोग हैं कि जिनको अल्लाह जल्ल जलाल हलाल बीवियां नसीब फरमाई, हलाल बीवियां निकाह की सूरत के अंदर मंदूहा अता फरमाई, हलाल बीवी को छोड़कर नाजायज औरतों के साथ ताल्लुक करने वाले जिना का इर्तिकाब करने वाले हैं, इनको ये अब ये सड़ा हुआ गोश्त इनकी मिसाल है कि जैसे सड़ा हुआ हो कच्चा गोश्त बदबूदार खाना इंसान को कितनी कराहत होती है, तकलीफ होती है, अब ये उसी तरह लोग तो जिना का इत्तेकाब करने वाला शादीशुदा इंसान खास तौर पर हदीस के अंदर कुरान करीम के अंदर शरीयत मुताहरा के अंदर दो अगर शरीयत इस्लामिया हो तो जानी जो जिना का इत्तेकाब कर ले उसको शमशान रखने अपने इकरार से साबित हो जाए, चार तशद्दीद गवाहों से साबित हो जाए और मर चार जन्नती गवाह अगर वो गवाही दे दें तो इस इंसान को पत्थर मार मार कर मार दे, इतनी संगीन सजा है इसकी, क्योंकि ये गुनाह भी संगीन है और इस हालत के अंदर एक अल्लाह जल्ल जलालहु ने जायज ख्वाहिश को पूरा करने का उसको मौका भी नसीब फरमाया है। हलाल बीवी को छोड़ हराम बीवी की तरफ हराम औरत की तरफ वो लपकता है उसकी ये मिसाल है।
आगे देखा एक शख्स है, उसके सामने लकड़ियों का बहुत बड़ा गट्ठा पड़ा हुआ है और उसको उठाना चाहता है वो उठ नहीं पाता। और बजाय जब दुनिया के अंदर इंसान कोई चीज अगर उठाने के लिए कोई बांधता है, गठरी बांधता है, कोई बोरी या कोड़ा उसमें चीज डालता है उतनी तो उठा सके, अगर ज्यादा डालती जाए तो उठाने के लिए कम करनी चाहिए। तो वो शख्स ऐसा है कि बजाय गड्ढे को अंदर से लकड़ियां निकाल कर कम करने के और लकड़ियां डालता जा रहा है, पहले उसे उठना उठा उठाया नहीं जा सकता और मजीद और रखते जा रहा है। तो जिबरील अमीन से जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये कौन सा शख्स है? फरमाया ये वो शख्स है जो दुनिया के अंदर लोगों से अमानतें लेता है, अमीन बना हुआ है लेकिन अमानतों के अंदर ख्याल ना करता है, पहली अमानत देने का इनकार कर देता है, उसको हड़प कर जाता है, उसका बोझ ऊपर आ गया है और मजीद और अमानतें रखते जा रहा है, अमानतें रखते जा रहा है और ख्याना करते जा रहा है। ये उसकी मिसाल है। हमें सोच हम सोचे कि दुनिया के अंदर अमानत कितनी बड़ी चीज है। हमारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी की अजीम सिफात में से सबसे बड़ी दो सिफत है सिद्क और अमानत। ये बहुत ही कुफार के हाँ भी आपकी मशहूर थी, कुफार का दुश्मन आपके जानी दुश्मन थे, आपको सरजमीन मक्का पर भी छोड़ना गवार नहीं करते थे, हत्ता के मक्का से मदीना आ गए वहां भी चैन से बैठने नहीं दिया, लेकिन इसके बावजूद आपको सादिक को अमीन कहते थे। हिजरत के मौके पर भी आपके पास कई काफिरों की अमानतें पड़ी हुई, आपके जानी दुश्मन आपके मुखालिफिन, इसलिए तो हजरत अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले करके आए के तुम पीछे ले जाओ, ये पीछे हिजरत करके आना, ये अमानत कुफार के हवाले कर, वो कुफार के जो आपको घेराव किए हुए हैं, आपके जानी दुश्मन हैं, आपको यहाँ से अपने अमान के साथ जाने भी नहीं देते और आप अमानत का ये वसफ है नबी रसूल साहब इत्तबा फजलना का ये अमानत वाला वसफ, ये कुफार भी मानते थे। हमें चाहिए कि हम उम्मती उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने वाले हैं, हम भी अमानतदार बनते हैं। अमानत सिर्फ पैसों की नहीं होती, अमानत बात की भी होती है, कोई किसी के साथ कोई घरेलू कोई जाती मशवरा लेता है और उसकी कोई पोशीदा बात बताता है कि उससे मशवरा ले रहा हूँ और तुझे ये बात अपनी जात की बता रहा हूँ, किसी और को नहीं बता रहा, जबकि वो बात ऐसी है कि किसी की मुखालफत की नहीं है, इंसान की जाती है। तो फरमाइए ये अमानत, इस अमानत को आगे फैलाना, राज पास करना ये गले वो काम है। इस पर मुझे एक मामूली सा एक थोड़ा सा वाक्य अमानत पर याद आ गया कि अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इनके सामने हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपनी बेटी हफ्सा पेश की, उनका खामिन फौत हो गया तो बेवा हो गई। अरब का ये अंदर ये हमारे का रवाज नहीं था कि जिस नौजवान लड़की का औरत का खामिन फौत हो जाए, कोई औलाद ना हो या छोटे साइज दो बच्चे हो, तो सारी जिंदगी बेचारी फिर ऐसी बगैर खामिन के रह जाती है। ये अपने माहौल की शर्म की वजह से, अपने खानदान की सख्ती की वजह से वो बेचारी अपने माफे जमीन का इजहार नहीं कर सकती, ऐसी सारी जिंदगी गुजार देती है। आप यहाँ ये माहौल वहां तो ये था कि खामिन फौत हो गया, इधर गुजर गई आगे दूसरे का शादी हो गई, उधर खामिन फौत हो गया या छोड़ दी गई तलाक हो गई, इधर गुजरी आगे खामिन फौत हो गया। इससे माहौल की बाकी होता था, लोगों की सोच भी महफूज होती थी, वो इंसान को हर इंसान को अपना हक मिल रहा है, अपनी जायज ख्वाहिश पूरी हो रही है, तो फिर वो नाजायज तरीके से बाहर आता है। तो जब तक ये निकाह और शादी का निजाम आसान था, जिना की शरफ बहुत ही कम, और जब से हमारे यहाँ ये माशरे के अंदर ये लगाव और शादियों के जो रस्म रवाज की वजह से ये काम महंगा हो गया है, उतना ही ये जिनाकारी ये फहाशी और यानी ज्यादा हो गई। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला
हमें निजाम शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। तो मेरा ये कर रहा था कि जो लोग जो अमानत पर मुझे बात याद आ गई, अमानत पर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने अल्लाह फ़ारूक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खुद अपनी बेटी पेश की। इसलिए मालूम हुआ कि जब इंसान को अगर कोई नेक इंसान मिल जाए, कि बेटी जवान हो, शादी के काबिल हो या बेवा हो गई हो और नेक पारसा बंदा मिल गया है, अपना मुकोह बंदा मिल गया है, नेक पारसा दीनदार मिल गया है, तो खुद भी उसके सामने अपनी बेटी की पेशकश करना ये आग ऐब नहीं जायज है, बल्कि पसंदीदा है। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खुद इनके सामने उस्मान गनी के सामने पहले पेश की, उन्होंने कुछ इनकार कर दिया तो बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सामने पेश की तो इन्होंने खामोशी का इज़हार किया, ना हाँ की ना ना। तो चंद दिनों के बाद हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बेटी को पैगाम लिखाते हैं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी बेटी हफ्सा का लिखा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ करते हैं। उसके बाद बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मुलाकात उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, जिनको बाद में निशान अर्ज करना चाहता हूँ अमानत का। तो बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि उमर जी, आपने मुझ पर अपनी बेटी अफसर को पेश किया था तो मैंने ना हाँ की ना ना की, खामोशी इख्तियार की थी, आप तो नाराज तो हुए होंगे। उनका नाराज तो हुआ था, चलो सुमान गनी रज़ी अल्लाह तआला के सामने पेश की तो उन्होंने उधर पेश कर दिया, इनकार कर दिया कि मेरे सिफारे के अंदर आजकल शादी करना ठीक नहीं, मुनासिब नहीं। इस तरह मुझे कह दिया, जवाब दे दिया, आपने तो ना हाँ की ना की, नाराज तो हुआ। तो ना बात यह है कि आपके जिक्र करने से पहले मैंने पास को हजरत हफ्सा का जिक्र करते हुए सुना है कि उन्होंने उसे शादी का इरादा किया हुआ है, तो मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि पास की बात का राज कौन था, क्योंकि आपकी बात अमानत है, इसलिए आपकी बात का आपका राज खोलना नहीं चाहता था, इसलिए ना मैंने आपसे हाँ की ना ना की। अगर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपकी बेटी हफ्सा से शादी न करते तो मैं जरूर हाँ करता और आपकी बेटी से शादी करता। देखो अमानत का कितना बड़ा ख्याल है। इसलिए उम्मतियों को चाहिए कि हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं। इस वक्त दुनिया के अंदर खासकर मुल्क पाकिस्तान की तजारती सतह पर हो या किसी और सतह पर हो, ज्यादा बदनामी की बदयानी मिलावट बदयानी बदअमानती, हालांकि बेहतरीन बंदा वो है जो अमानतदार हो। ये अमानत पाकिस्तान का अजीम वसफ है और आपके सिफात में से अजीम एक सिफत है। हमें चाहिए कि हम इस अमानत वाले वसफ की जिंदगी के अंदर अपनाएं। इसी दौलत के इस नजारे के अंदर आप सलाम को चंद ऐसे लोग भी दिखाए गए कि आप गुजरे थे, देखा कि चंद लोग हैं कि जिनकी जुबानें कटी जा रही हैं और उनके होंठ काटे जा रहे हैं, बड़ी तकलीफ के अंदर है। जुबान काटना और होंठ काटना बड़ी तकलीफ वाली बात है। तो आज पूछे ये कौन लोग हैं, फरमाया आपकी उम्मत के वो वाइजीन हैं, वाद नसीहत करने वाले जो लोगों को गुमराह करने वाले हैं। एक इंसान वाद नसीहत करते दूसरी की हिदायत के लिए, ये तो बहुत अजीम काम है, अल्लाह से मिलाने वाला है कि मैं बात कर रहा हूँ आप सुन रहे हैं। ये गुमराह करने के लिए नहीं है, लोगों को राय इलाज पर लाने के लिए है। और फरमाया ये वो वाइजीन जो लोगों को गुमराह करने के लिए वाद नसीहत करते थे, आज उनके इसलिए हमें चाहिए कि हम अगर जो किसी को माफ भी करें इस नीयत के साथ करें कि इसको फायदा हो, इसको आखिर का फायदा हो जाए। सुनने वालों को इस नीयत से सुनना चाहिए कि मैं ये बात अपने पल्ले बांध लूँ, अपनी जिंदगी में अपना लूँ ताकि मेरी आखिर बन जाए। बात ऐसे लोग भी आपको दिखाएगा जहन्नम के अंदर कि वो आपके अंदर जलाए जा रहे हैं और आप बना दिए गए, दोबारा ठीक हो जाए हो गए, फिर जलाए गए, फिर ठीक हो गए, फिर जलाए जा रहे हैं, आप बनते जा रहे हैं, फिर बदबू तो वजू सही हो जाता है, फिर आप जलाए जाते हैं। आपने फरमाया कि जमीन भी कौन
से लोग हैं। तो जिब्रील अमीन ने फरमा अर्ज की कि अल्लाह के रसूल, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया के अंदर अपने वालिदैन की नाफरमानी की, वालिदैन की बातों बातों में नाफरमानी करते थे और दुनिया के अंदर वालिदैन उनकी नाफरमानी के अंदर गुस्से में आकर गुस्से में जलते थे। आज इन नाफरमान बोलारों को आखिरत के अंदर ये अजाब हो रहा है। आप तो जब इंसान दुनिया के अंदर जिस किस्म से भी गुनाह करता है उसी के मुताबिक अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको सजा देगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस प्रोग्राम को अपने दरबार में कबूल भी फरमाए और हमारी हाजिरी अपने दरबार में कबूल फरमा कर आखिरत में निजात के जरिए बना दे। अल्लाह जल जलालू मजीद इस जामे को, बाकी भी जामियात को दिन दुगनी रात दुगनी तरक्की नसीब फरमाए। जितने हजरात यहाँ काम करने वाले हैं सबको अल्लाह ताला जज़ाए खैर नसीब फरमाए, मजीद हिम्मत और तौफीक नसीब फरमाए, मजीद लोगों को खैर पहुँचाने का जरिया बनाए। वाह अल्लाह वाला अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।